नेताजी का हाल आपके शहर में आ गया है। NDTV इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, स्वागत है आपका NDTV के इलेक्शन कार्निवल में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका सबसे बड़ा चुनाव, हर एक शख्स इस चुनावी रंग में रंगा हुआ है। इसीलिए ज़रूरी है कि ये रंग आप तक भी पहुँचे। इसीलिए ये ट्रक और हमारा ये इलेक्शन कार्निवल जो जोड़ेगा आपको देश के अलग अलग इलाकों से और पहुँचाएगा वहाँ का स्थानीय चुनावी फ्लेवर रोज़ रात 8 बजे NDTV पर। हम करीब इस कार्निवल में 5,000 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले हैं। देश के अलग अलग इलाकों में हम पहुंचेंगे, हमारे भारत की हम तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि ये चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं, एक चुनावी मेले से कम नहीं। ऐसे में ज़रूरी है कि इस रंग में आप भी रंगे हमारे साथ। तो हम आज पहुंचे हैं ये कार्निवल का कारवा लेकर हरिद्वार। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हर की पौड़ी, जहां पर आस्था दुनिया के कोने कोने से लोगों को खींच कर ले आती है इस पवित्र नदी में एक डुबकी लगाने के लिए। हरिद्वार वो शहर है, आस्था का वो केंद्र है, जहां पर पहाड़ों को छोड़कर गंगा नदी मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ती है। ये शहर है धर्म का, संस्कार का, संस्कृति का, आध्यात्म का और योग का। राजनीति के लिहाज से भी ये एक अहम केंद्र है। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे ये इलाका उत्तराखंड की राजनीति में असर रखता है। लेकिन क्योंकि हम गंगा किनारे हैं, आस्था के इस शहर में हैं, इसीलिए शुरुआत करते हैं इस इलेक्शन कार्निवल का आस्था के कुछ रंगों से। एक रंग इस वक्त हमारे साथ यही जुड़ रहा है, आइए सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। हम आस्था की नगरी में हैं, हरिद्वार में हैं। सुधीर शर्मा जी, ये दोनों यहाँ के लोकल हीरोज हैं जी, क्या भूमिका रहती है इनकी? ये दोनों बच्चे यहाँ अभी जो राम जन्मभूमि अयोध्या में स्थापित हुई, रामलला की मूर्ति स्थापित हुई, तो तब एक बहुत बड़ी भव्य राम रथ यात्रा यहाँ निकली थी, जिसमें दोनों बच्चे 2 दिन तक राम रथ यात्रा में रहे और यहाँ के लाखों लोगों ने इनका स्वागत किया। एक ये जो है बाल रूप के रूप में आपके सामने है, और जो सीता मैया का जो चरित्र है, सीता मैया का जो साथ है, वो जवानी की अवस्था में आया था राम के, ये बाल रूप है। आगे जब हम बात करें चुनावी रंग की, जिसका जिक्र मैं शुरुआत से कर रही हूँ, पूरा देश एक रंग में रंग रहा है, वो है चुनावी रंग। तो आप भजन भी गाते हैं, आप चुनावों को लेकर आपने कुछ लिखा है क्या? तो अभी 4 लाइनें में कहूँगा कि सुनो सुनो ऐ राम जन भजो हरि का नाम, ओ सुनो सुनो ऐ राम जन भजो हरि का नाम। 5 सदी के द्वंद से बना राम का धाम, घमंड जिने हो स्वयं पर सहे उन्हें ना राम, ओ घमंड जिने हो स्वयं पर सहे उन्हें ना राम। साहस और संघर्ष का ये मंदिर परिणाम, अवध में उत्सव है भारी, अवध में उत्सव है भारी। इलेक्शन कार्निवल है और हम चुनावों की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, तो आप
आपने क्या लिखा है जिससे एक अंदाजा लगे कि हरिद्वार किस तरह से इन चुनावों से जुड़ रहा है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अब मैं चुनाव के ऊपर चार लाइनें आपके लिए लिखकर लाया हूं। परिस्थिति बदली भारत के, मन स्थिति बदलनी होगी, थोड़ा तुम भी खुद को बदलो, साथ खड़े हैं मोदी योगी, और जात पात से ऊपर उठकर भारत सशक्त बनाना होगा, अलग अलग बिखरे लोगों को एक सूत्र में लाना होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चुनावी रंग को दिखाने के लिए, और आपका भी, आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो इलेक्शन कार्निवल है तो कैसे राजनीति की बात ना हो, चुनावी मुद्दों की बात ना हो, इसी पर अब हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर हमारे इलेक्शन कार्निवल ट्रक पर मौजूद हैं दो खास मेहमान, अनीता ममगन जी जो मेयर हैं ऋषिकेश की, और साथ ही रवि बहादुर विधायक कांग्रेस के इस इलाके से ही आते हैं। आप दोनों का NDTV के इलेक्शन कार्निवल में स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें आती हैं, और पिछली 2 लोकसभा चुनावों में ये 5ों की 5 सीटें BJP ने अपने नाम की है। ऐसे में चुनौती कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी है। हरिद्वार में भी 2 पूर्व CM का जो वर्चस्व है वो आमने सामने है, एक कड़ी चुनौती दोनों पूर्व CM की भी होगी। तो शुरुआत रवि जी आपसे, अपने विरोधियों पर ये आरोप लगाया है कि वो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए मुद्दे क्या हैं? आप अपने वोटरों को जाकर क्या कह रहे हैं? कांग्रेस और BJP में क्या अंतर है? विचारधारा की जंग है, कोई जमीनी लड़ाई नहीं है, कोई परिवार की जंग नहीं है कि आपके दादा ने मेरे दादा को मार दिया, मैं आपके चाचा से निपटूंगा, ऐसा नहीं है। विचारों का खेल है, और विचारों का खेल कहाँ आ रहा है? विचारों का खेल यहाँ आ रहा है कि ये देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदे का पैसा है, देखिए कितना सुंदर ये बना हुआ, और ये कांग्रेस मेहनत की कमाई का ये। तो इसीलिए क्या आपके नेता सब छोड़ छोड़ कर इधर जा रहे हैं? हाँ, इसीलिए क्या आपके नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, राज्य स्तर के हों, सब छोड़कर BJP का दामन थाम रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो नेता भ्रष्टाचारी हैं, आप उनको ले क्यों रहे हैं? हमारा तो ये कहना है, चलिए वो आपके नेताओं का इरादा है, उनकी सोच है कि वो BJP से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अनीता जी ये बताइए कि उत्तराखंड में कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, अंकिता भंडारी कांड को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर BJP को घेर रही है, इसका जवाब इस वक्त BJP के पास है क्या? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि जिस कार्यक्रम का आगाज ही इतना सुंदर हो, उसका परिणाम कितना सुंदर होगा 4 जून को, ये तो आप सभी ने यहाँ पर देख लिया कि आपने बहुत सुंदर बाल रूप में राम जी की या लक्ष्मण की झांकी जो हमको दिखाई, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा, आपने चरित्र देख लिया होगा, मान सम्मान कैसे होता है एक कलाकार का, एक संगीतकार का, एक माँ सरस्वती के पुत्र का, कि जो कि हमारे भाई यहाँ पर भजन सुना रहे थे, उन्होंने कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो, उन्होंने भजन सुनाया मोदी और योगी एक सिद्ध पुरुष हैं, वो सिद्ध पुरुष हैं आज दुनिया, यही तो बात है। अनीता जी, यही तो बात दोनों से मैं कहूंगी, हम इस आस्था की नगरी में है, सुनो बिल्कुल धर्म पर यही चर्चा तो बात है कि लेकिन आज हम मुद्दों लोग, पर आज आप लोग इसी तरह से शोर करेंगे तो हम आज, मुद्दों की बात आज, कभी आज नहीं कर पाएंगे। आज आम जनता योगी को, मोदी को और योगी को भगवान मानने लगी है, क्यों मानने लगी है? उनके कामों से मानने लगी है। दूसरा अभी हमारे भाई जो हमारे विधायक जी ने कहा कि राम को लाने वाले ये कौन है, 500 साल लग गए राम जी को त्रिपाल से, टेंट से, भव्य और दिव्य मंदिर में आने के लिए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश की 140 करोड़ जनता का, जिन्होंने ये सौभाग्य। तो क्या इसी पर
माँ भारती के पुत्र मानते क्या कि इसी पर आप बीजेपी वोट मांग रही है क्या? पुत्र मोदी क्या उत्तराखंड में और उन्होंने राम मंदिर बनाया, लेकिन क्या इसी मुद्दे पर बीजेपी वोट मांगेगी उत्तराखंड में? सारे मुद्दों पर और विकास के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी के पास जवाब नहीं है? मुद्दों पे करेंगे, पूरे विकास के मुद्दे करेंगे, लेकिन जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि पहले यही लोग, यही कांग्रेसी थे, वो कहते हैं कि हमारा नारा होता था भाजपा का, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये कांग्रेसी कहते थे। जी ये बताइए कि आपके बड़े नेता दिक्कत हो रही है सक्रियता से, आज कुछ लोग जेल में है, कुछ बेल में है, भ्रष्टाचार पे कुछ लाइन में खड़े हैं, भ्रष्टाचार पे। एक मिनट प्लीज, इन सवालों का जवाब देने के लिए, अपने विरोधियों का सवालों का जवाब देने के लिए क्यों सक्रियता से दिखाई नहीं दे रहे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये विषय है कि हम चांद की बात करते हैं, मून की बात करते हैं, और तो और सूर्य की परिक्रमा करने की बात करते हैं, और हम कहां उलझ रहे हैं आज? मंदिर विषय नहीं है, मंदिर पे तो जब ही जाएंगे ना पेट में अन्न होगा। आज तो इन मुद्दों, जो मेरा सवाल है, इन मुद्दों को लेकर आपके जो नेता हैं क्यों सक्रियता से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? सक्रियता से तो हम दिखाई दे रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं। अब कोई अगर नहीं सुनना, हरीश रावत जी क्यों नहीं लोकसभा चुनावों में उतरे? नहीं, मेरी बात सुनिए, देखिए, हरीश रावत जी चुनाव में उतरे, प्रीतम सिंह जी क्यों नहीं चुनाव में उतरे, हरीश रावत जी क्यों चुनाव में नहीं उतरे वो आपको हरीश रावत जी बेटर बताएंगे, उसके लिए मैं राइट पर्सन नहीं हूँ। प्रीतम सिंह जी चुनाव में क्यों नहीं उतरे वो प्रीतम सिंह जी बताएंगे, बट मैं इतना जानता हूं कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मैदान में है, और उसका जीता जागता उदाहरण ये आपके सामने एक विधायक बैठा है जो बहुत लास्ट की पंक्ति का है। आप खुद विधायक हैं, आपको नहीं लगता कि आप जैसे बड़े नेता जब सड़क पर हो, चुनावी मैदान में हो, तो कार्यकर्ता में ज्यादा एनर्जी दिखती है? कार्यकर्ता में उतनी एनर्जी है, यहाँ तो विधायक के गले बैठ रहे हैं बोल बोल के, तो आप देखिए ना कार्यकर्ता का क्या हाल होगा जब विधायक खुद नारे लगा रहा है, तो एनर्जी तो इतनी है हमारे अंदर। अब आप मेरी बात सुनिए, आपने कहा था मुद्दे क्या होने चाहिए। आज चुनाव जो है ना वो नौकरी का है, चुनाव बेरोजगारी का है, बिल्कुल, चुनाव किसानों की आय को लेके है, जो इन्होंने बोला था कि हम 22 तक दुगनी कर देंगे। आज किसान सड़क पे है, क्यों उसको रोका गया हरियाणा में? वो तो दिल्ली जा रहा था, और आपको, मुझे, मैडम को और यहाँ मेरे सब बैठे हुए भाइयों को पता है, रास्ता आपका चुनावी हक, वो जो है कानूनी हक होता है, आपने रास्ता रुकवा दिया, किसानों को ही रोक दिया, किसानों को नॉन किसानों से लड़ा दिया, सर्विसमैन को उनसे कहलवा रहे हो खालिस्तानी है। ये पार्टी क्या करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है, इनकी विचारधारा ये है। आज मुद्दा बेरोजगारी है, आज मुद्दा अंकिता हत्याकांड है, क्या ऐसे हो गया, धाकड़ धामी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, आज एक साल से भी ऊपर हो गया, उस लड़की को, उस हमारी बहन को आज तक न्याय नहीं मिला, क्या सीबीआई जांच नहीं करा सकते थे क्या? जब आनंद फानंद में उठा रही बहुत सारी बिल्कुल, जब हम विधानसभा में बोलते हैं, इनके विधायक इतने संवेदनशील मुद्दे पे भी, इतने सीरियस मुद्दे पे इनके मंत्री हंसते हैं, हमारी बहन की, उसकी जो है इज्जत के साथ तार तार किया गया है, शर्मसार हुई है पूरी देवभूमि। इसके अलावा सुनिए मेरी बात, 1 लाख हर साल गरीब परिवार महिलाओं को न्यारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, हम तो कास्ट सेंसस पे बात कर रहे हैं, जितनी जितनी हिस्सेदारी है, हम आरक्षण में विधानसभा में बोलते हैं, ये सरकार इतनी महान सरकार है उत्तराखंड की और इस सेंटर की, 19% एससी को भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं दे रही है, मात्र 12 या 13% ओबीसी को 14% में से मात्र 4% का आरक्षण दे रही है। सवाल जो कांग्रेस इस वक्त उठा रही है और चुनावी मैदान में उतरी है, अनीता जी, क्या इसका जवाब बीजेपी के पास है इस वक्त अपने वोटरों के लिए? जो बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस कह रही है, जो जो आपकी महिला सुरक्षा को लेकर इस राज्य पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, किसानों के मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर, जो विरोधी दल आप लोगों से जवाब चाह रहे हैं और यही अपने वोटरों से जाकर कह रहे हैं, तो इसमें बीजेपी का क्या कहना है? महिलाओं की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान मातृ शक्ति का करा है, उस सम्मान के लिए आप देखें कि आज 33% आरक्षण जो लंबे समय से देश की जनता, देश की मातृ शक्ति करती आ रही थी, मान्य 2029 में इंप्लीमेंट होगा ना, ये रहेगा वो होगा, इंदिरा गांधी जी जो हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी रही हैं, एक महिला प्रधानमंत्री रही हैं, और 10 सालों तक जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार है,
वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने चलाई, लेकिन उन्हें कभी भी किसी भी समय महिलाओं का ख्याल नहीं आया। आज यदि मातृशक्ति का सम्मान करा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। चलिए कि 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने मातृशक्ति को दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार चुनावी मुद्दा बेरोजगारी होगा या फिर किसानों के मुद्दे होंगे, महिला सुरक्षा को लेकर जो बात उत्तराखंड में उठ रही है उस पर वोट डाले जाएंगे, आपके मन में क्या है, क्या वो मुद्दे हैं जिस पर एक वोटर ये तय करेगा कि मुझे किस पार्टी को वोट करना? डेफिनेटली क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव होता है बड़े स्तर का चुनाव होता है और चुनाव की एक परिपाटी रही है, इतिहास रहा है कि राजनीति तो कहीं और तरह की होती है, ये जाहिर बात है। आपकी रोटी की चिंता होनी चाहिए, एक खाली हाथों को काम देने की चिंता होनी चाहिए। उत्तराखंड के अंदर अगर बहुत बड़ा कोई मुद्दा है तो पलायन का है। यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है लगातार खाली होता जा रहा है, जिनको लोग अब भूत गांव भी कहने लगे हैं। पलायन को रोकने के लिए ना तो कांग्रेस के पास कोई नीति रही है ना ही भाजपा की नीति रही है। निश्चित रूप से 22 पलायन पर हम जानते हैं कि आपके पास लाइनें भी हैं जो इस पूरे परिपेक्ष को एक तरह से दर्शाती भी, अगर वो हमारे दर्शकों के लिए आप गा के सुना दें। हाँ, पहाड़ से सारे लोग अब जो है वहाँ छोड़ के देहरादून आ रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जो गणरत्न हैं, लोक गायक हैं और लोक नायक भी हैं, उनकी एक रचना है, मैं कोशिश करूँगा और मैं अच्छा है कि अब आप शालीनता से सुन रहे हैं। उसका मतलब ये है कि सब चीज़ देहरादून आ गया, सब जो है पहाड़ छोड़ गए कि संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून, संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून, छोड़ा पाड़ियों घोर गऊ जोड़ा पाड़ियों, छोड़ा पाड़ियों घोर गऊ मारा ताणी देहरादून, संविधानी ताली भी जरा, संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून, छाँच छुले पाड़ू माँ छाँच छुले पाड़ू माँ, छाँच क्या होती है वो, उसके बाद घी बनता है ना, जो प्रक्रिया होती है कि छाँच छुले पाड़ू माँ छाँच छुले पाड़ू माँ छाँच छुले पाड़ू माँ घ्यू की माणी देहरादून, संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पलायन आयोग बना था। पहले हमारे दर्शकों को इसका जो मतलब है वो समझा दीजिए जो इस भाषा को नहीं समझ पा। सब भी धानी देहरादून, सब कुछ देहरादून और हूणी खानी खाना पीना भी देहरादून, सब कुछ देहरादून और खास तौर पे जो पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों की तरफ सब रोजगार की तलाश में पहुंच रहे। नेता नगरी भी यही कर रहे, विधायक जी भी यही कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के हो उनके सब यही है। और जो चुनाव के टाइम पे आजकल जो गौ गुठियार होते हैं पहाड़ के गौ गुठियार छिन जो हमारा आजकल यूं दिखेना चाहिए नेता टोपला लिए कि वो किसी भी पार्टी का हो, वरना नहीं जा रहे हैं। आप जनरली क्या पूछते हैं कि कितने चरण में चुनाव होते हैं, सीधा सा जवाब है दो चरणों में चुनाव होते हैं। एक चरण में नेता जनता के चरण में जाता है और दूसरे चरण में जनता को नेता के चरण तक नहीं मिलते, दो ही चरणों में चुनाव होते हैं। चलिए इतना तो हमें पता चल गया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक कुछ लाइनें हमारे दर्शकों के लिए जो यहाँ पर लोग गीत जो आप सबसे लोकप्रिय है जो लोग यहाँ पर सुनते हैं अक्सर। एक गीत अगर पहाड़ की हम बात करें, उत्तराखंड के लोक जीवन की बात करें, एक गीत बहुत सुना जाता है, मुझे लगता है मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि खूब सुना जाता है और सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला गीत है, दो लाइनें गाऊंगा मैं, बेडुपाखो बारमासा बेडुपाखो बारमासा नरेणी कपलो पाको चेता मेरी छेला नर्म बेडुपाखो बारमासा बेडुपाखो बारमासा नरेणी कपलो पाको चेता मेरी छेला अलमड़े की नंदा देवी, जरा साथ दो कोई बात नहीं, ये की
नंद देवी नरणी फूल पति चढ़ोलू मेरी चैला बेडू पाखो बारमासा बेडू पाखो बारमासा। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपने तो माहौल जमा दिया यहाँ पर बहुत। आप खुशी खुशी ताली भी बजा रहे थे, लेकिन इस चुनावी माहौल से आप भी जुड़े हैं, चुनावों को लेकर आप में भी उत्साह है? उत्साह तो बहुत है और करना भी बहुत है, करें तो जब जब नेता छोड़े। अब नेता भैया ने हमारे बताया कि दो ही चरण है, पहला चरण हमारे चरण, दूसरे चरण नेता के चरण, तो उन चरणों के चक्कर में हम भी बेचरण हो रखे हैं। तो हरिद्वार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या परेशानी है जिसको लेकर आप चाहते हैं कि यहाँ के नेता हों, चाहे कांग्रेस को हों बीजेपी के हैं, वो इस पर काम करें? हरिद्वार की मेन परेशानी गंदगी, इसको अगर साफ करा जाए तो मेरे को लगता है सब कुछ साफ हो जाएगा। सबसे पहले तो गंगा मैया है, गंगा है तो जल है, बेटी है तो कल है, बेटी आप भी हो, गंगा मैया वहाँ सामने है ही है। मेरा भी नारा ही है कि गंगा है तो जल है, बेटी है तो कल है। अगर बेटी नहीं बचेगी और गंगा नहीं बचेगी तो मेरे को लगता है जीवन भी नहीं है, क्योंकि बिना जल के, बिना सांसों के जीवन नहीं है, सांस में ही बेटी है। सांस को आपको मैं कैसे बताऊं कि मैं भी एक गृहस्थ हूं, बाबा भी हूं और मैं आपके सामने भी आया हूं। खुद मैंने अपनी एक बाबा होके, एक मेहनत होके, एक बाबा होके, महानिर्वाणी पंचायती सहकारी से हूँ मैं, एक बाबा होके इलेक्ट्रिक कार बनाई है जो बोलते हैं आत्मनिर्भर। अब देखो ये एकदम हल्ला मचाने लग जाएंगे कि मोदी जी का नाम ले रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर, अब वो कांग्रेस के बोलते हैं आत्मनिर्भर, तो मैं तो उनके भी साथ हूँ आत्मनिर्भर। आप चाहते हैं कि जो आपके नेता है वो गंगा नदी को साफ रखे, गंगा की सफाई पर ध्यान दे। आप लोगों से मैं एक एक शब्द दूंगी और उसका मतलब आपके लिए क्या है उस पर आपको जवाब देना होगा, ठीक है? रैपिड फायर की तरह होगा। मेरा, मैं एक सवाल, एक शब्द दूंगी तो उस पर आप क्या सोचते हैं, शुरुआत आपसे ही करते हैं। चुनाव, भाजपा को भगाना है। वोटर, वोटर, वोटर का मतलब कि समझो इनकी थाली में पुलाव आ गया तो समझो चुनाव आ गया। उम्मीदवार, उम्मीदवार एक ऐसा व्यक्ति है जो जिनकी पर उम्मीद लगाया रहता है लेकिन उसकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है। चलिए, सरकार, सरकार 400 पार, इस बार 400 पार। तो चुनाव का मतलब आप? चुनाव का मतलब लोकतंत्र को बचाना है और भाजपा से बचाना है। चलिए, मुद्दे, मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर हरिद्वार की आम जनता चाहती है कि सभी नेता नजर डालें। और जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, कोई सवाल अब अधूरे रह गए थे, पर ये जो बातें हरिद्वार की जनता की तरफ से उठ रही है, इसका एहसास क्या बीजेपी को है कि ये वो मुद्दे हैं? बेरोजगारी को लेकर जो मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा है, जो अंकिता भंडारी को लेकर ये जो पूरा मामला उठा है, उस पर जवाब इस वक्त बीजेपी क्या देना चाहेगी अपने वोटरों को? अंकिता भंडारी के उसमें हमारी संवेदना उस बिटिया के साथ में है, उस परिवार के साथ में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने तत्काल उसी समय दोषियों को सलाखों के पीछे करा, कानून अपना काम कर रहा है, न्याय पालिका में मुद्दा चल रहा है, अदालत में मुद्दा है, हमारी संवेदनाएं उस बिटिया के साथ में, रवि जी, और जो न्याय हो सकता था वो न्याय देने के पूरा काम उन्होंने करा है और आगे हम भी यही अच्छा चाहते हैं न्यायालय से। बिल्कुल बिल्कुल, हम न्यायालय से, न्यायालय से चाहते हैं कि उस बिटिया को न्याय मिले। भी सुनना होगा रवि जी, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, चाहे बीजेपी सत्ता में हो चाहे कांग्रेस में, इसका जवाब क्या है? डेफिनेटली बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का है, क्योंकि इस देश की 50% पॉपुलेशन आज भी युवा है और जो बेरोजगारी से त्रस्त है, आज एमए बीए बीटेक गली मोहल्लों में घूम रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं पकोड़े तलो। वो तो एक अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कहां से ये रोजगार 110% करेंगे? जैसे 2013 में 14 में एक फूलों का गुलदस्ता इस देश में चल रहा था, सौहार्द था, भाईचारा था, प्यार था, नौकरियां लगातार लग रही थी, एक हर घर के बाहर दो दो मोटरसाइकिल खड़ी होती थी, अगर किसी से प्यार से भी हम 50,000 रुपये उधार मांग लेते तो मिल जाते थे। आज 5,000 रुपये किसी की पॉकेट से नहीं निकल सकते हैं। एक बात थोड़ी सी बता दूं, मेरे एक भाई, देखिए
चाहे वो विधायक हो, चाहे मेयर हो, जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो, चाहे गांव का प्रधान हो, उनकी जिम्मेदारी है जब कोई बात, कोई भाई हमारा कोई बात रखता है वो गलत रख रहा है तो उसको ठीक करना भी हमारा अधिकार है। हाँ, सुनिए, एक भाई ने कहा आत्मनिर्भर, और मैं मोदी जी का नाम लूंगा तो आत्मनिर्भर जब पहला शब्द आया था तो वो गांधी जी ने दिया था जब उन्होंने नमक बनवाया था। आत्मनिर्भर शब्द जब आया था जब उन्होंने चरखा चलाया था, जब चरखा चलाया था। तो ये देखिए एक्चुअल में क्या हो गया है इंडिया के अंदर, क्या हो गया है इंडिया में, एक जनरेशन ऐसी हो गई है कम्युनिकेशन गैप की वजह से कि वो कांग्रेस की पेंशन पे तो जी है पर उनको लगता है कि 2014 के बाद ही हम आजाद हूं। चलिए एक चीज, दूसरी चीज, मैं एक छोटी सी चीज और कहूंगा, मैं मेयर साहिबा की बात का, हमारी जो बड़ी बहन है उनका स्वागत करता हूं, उनकी संवेदनशीलता अंकिता भंडारी के साथ है पर उनकी सरकार की नहीं है। जब हम विधानसभा में बोलते हैं, जब पूरा विपक्ष बोलता है आपके इनके बीजेपी के विधायक ऐसे ऐसे करते हैं कि बहुत ठीक बोल रहे हो, इनको घेरो, सीबीआई जांच कराओ, तो इस सीबीआई जांच से डरते क्यों हैं? सीबीआई जांच इनको करनी चाहिए, उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि वो वीआईपी कौन था। चलिए अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम गंगा किनारे हैं और ये नगरी आध्यात्म की है, योग की है, ये हमें सहनशीलता भी सिखाती है तो इसका हम प्रयोग करें। हम लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद और इस आध्यात्म योग की नगरी का एक और नज़ारा दिखाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इलेक्शन कार्यक्रम। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल और इस वक्त हम हैं गंगा किनारे हरिद्वार की नगरी में। अगर हरिद्वार में हैं और गंगा किनारे हैं तो ऐसे में आध्यात्म की बात कैसे ना हो, योग की बात कैसे ना हो। इसी पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हमारे इलेक्शन कार्निवल से जुड़ रहे हैं योगी रजनीश। बहुत स्वागत है आपका इस कार्निवल में। और इस ब्रेक से पहले हमने देखा इतनी गर्मा गर्मी चुनावी माहौल है, उससे भी माहौल गर्म हो रहा है और मौसम की मार तो है ही, लू चलने वाली है और इस पूरे दौरान सभी को अपना संयम बरतना होगा, ख़ास तौर से उम्मीदवारों को और उनके कार्यकर्ताओं को। और इस गर्म माहौल में मन को, मस्तिष्क को शांत कैसे रखें? सर्वप्रथम एनडीटीवी के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार। एक दोहे से हम अपने इस वक्तव्य को प्रारंभ करते हैं क्योंकि एक दोहे में यदि हम देखें तो हम पूरी सृष्टि को समेट सकते हैं। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले विन से 7 करोड़। एक व्यक्ति के भीतर 3.5 करोड़ रोम छिद्र बताए गए हैं तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हमारे भीतर और 3.5 करोड़ रोम छिद्र आपके भीतर जब खिलते हैं तो हम प्रसन्नता का, जिसको हम रोम कहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना कहते हैं, तो हमारे रोम रोम में प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। चुनावी माहौल में गुस्सा बहुत जल्दी लोगों को आ रहा है, जो राजनीतिक विरोधी हैं एक दूसरे पर काफ़ी नाराज़ भी हो रहे हैं, तो हरिद्वार से योगी जी क्या कहेंगे, कैसे ये उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता अपने मन को शांत रखें? सबसे बड़ी बात है कि हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्शन केवल एक प्रक्रिया है, चुनाव एक प्रक्रिया है जो 5 साल बाद हमें एक उम्मीदवार को चुन करके संसद में भेजना, उसको संसद, वो सांसद बनेंगे, वो संसद में जाएंगे, वो जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगी वो चले जाएंगे। और इस विषय को लेकर के कई बार क्या होता है कि हम आपस में इतना मतभेद उत्पन्न कर लेते हैं कि वो हमारे मानसिक रूप पे हम इतने प्रताड़ित कर लेते हैं खुद को कि हम धीरे 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 इतना तनाव में चले जाते हैं, हम अपने सुख चैन को खराब कर देते हैं। कुछ योग की क्या है जो हम कर सकते हैं? कुछ एक आसन और कुछ एक प्राणायाम का अभ्यास हम आपको यहाँ पे बताते हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में जो उम्मीदवार होता है सुबह से लेके शाम तक हम इस चीज़ का एक चिंतन कर रहे थे कि सुबह से लेके उठते ही वो शाम तक लगे रहते हैं कि हमें आज क्या करना है, कैसे करना है, और दिन भर उसको करते रहते हैं। रात्रि में जब सोते हैं तो हमें नहीं लगता है कि वो सोते होंगे, रात्रि में भी उनके दिमाग में अगले दिन की प्रक्रिया चलिए वो दिखा देते हैं, वो योगासन हम दिखाएंगे। तो हम यशस्वी को बुलाना चाहेंगे,
प्यारी सी छोटी सी बच्ची है यशस्वी आए और कुछ एक आसन जो है यहाँ पर शरीर को स्वस्थ रखने और मन को शांत करने के लिए यहाँ पर उम्मीदवार और जो उम्मीदवार के साथ उनके लोग लगे हुए हैं उनके साथ में हैं वो आप बेटा यहाँ पर आइए यशस्वी आप बिल्कुल यहाँ बैठे बैठिए आराम से अपने सुखासन में बैठेंगे। तो ये बच्ची अभी एक आपको आपका स्कंद चालन का अभ्यास करके दिखाएगी। दोनों हाथों को अपने कंधे के ऊपर रख करके और कंधों को आगे की ओर चलाएंगे वन बाय वन। इससे क्या है कि दिन भर जो आप खड़े रहते हैं जो उम्मीदवार हैं जो उनके साथ लगे हैं जो करिए बेटा करते रहें तो उनके साथ जो लगे रहते हैं वो कहीं ना कहीं कमर में भी उनको दिक्कत होती है पैरों में दिक्कत होती है। तो ये आसन जो है आपकी कमर के लिए और पाचन क्रिया को सबसे हम महत्वपूर्ण कहेंगे। दिन भर खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं होती है तो पाचन क्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए ये आसन बहुत लाभकारी और उपयोगी रहेगा। इसको हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं और इसी को हम पीछे की ओर चलाएंगे लगभग 10-10 बार हम कर सकते हैं। तो स्कंद चालन इस आसन का नाम है, बड़ा सरल है, सहजता के साथ में बैठे बैठे आप कहीं अब अगर कैंपेन में बैठे हैं कहीं मंच पर बैठे हैं तो धीरे धीरे आप अपने कंधों को भी चला सकते हैं। तो उससे क्या होगा आपकी पाचन क्रिया और जो आपको तनाव है वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आसन हम करेंगे, इसको हम अपने सुबह के समय शेड्यूल में डाल सकते हैं, बटरफ्लाई आसन, गोरक्षासन। तो दोनों पैरों के तलवों को मिलाकर के यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे पैरों में जो थाइज में घुटनों में जो दर्द रहता है दिन भर चलते 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 हम थक जाते हैं तो इस आसन के अभ्यास से हम अपने तनाव को अपने पैरों के दर्द को दूर कर सकते हैं। अपने घुटनों को बेटा ऊपर नीचे चलाएंगे, दोनों घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर नीचे चलाने का प्रयास करें। ये हमारी कमर को भी बेहतर रखेगा और पैरों को व्यवस्थित पैरों का जो दर्द है उसको व्यवस्थित करने के लिए एक बहुत ही लाभकारी आसन है। चलिए दोनों पैरों को हम सीधा खोल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहे हैं जितना आप अभ्यास कर सकते हैं उतना आप करें। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और पंजों को नीचे और वापस अंदर की ओर स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इसको लगभग 10-15 बार हम कर सकते हैं और इसी को हम क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज दोनों अपने पंजों को घुमा सकते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 अपोजिट 1, 2, 3, 4 और 5 पैरों में फासला करेंगे, दोनों पैरों में फासला करके पंजों को अंदर बाहर चलाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आसन बहुत सारे हैं, हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सारे व्यवस्थित हमें योग दिया है किंतु हम यहाँ पे कुछ एक आसन ही डिस्क्राइब कर सकते हैं तो इसलिए बहुत समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हैं। बिल्कुल, और अगर आप कहें तो एक हम प्राणायाम बता देते हैं जो प्राणायाम बहुत ज्यादा उपयुक्त है। एक आखिरी प्राणायाम बैठे बेटा सुखासन में बैठेंगे, अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए और दाएं हाथ की पहली और दूसरी उंगली को मस्तक के ऊपर रखेंगे, अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास लें और दाएं नासिका से श्वास को छोड़ें और दाएं से श्वास लेकर बाएं से छोड़ें। इस प्रकार का अभ्यास करने से श्वास लेने और छोड़ने में किसी भी प्रकार का एफर्ट ना करें, अर्थात श्वास खींचना नहीं है, गहरा लेना और छोड़ना है। बस इतना सा अभ्यास करने से ही आपका जो चुनावी दंगल दिन भर का रहेगा उससे आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ और शांत हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इन सुझावों के लिए योगी जी और बहुत शुक्रिया बेटा, आपने बहुत अच्छे से हमारे उम्मीदवारों के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के लिए जो इन चुनावों से जुड़े हुए हैं उनको किस तरह से उनको शारीरिक परेशानी ना हो और उन्हें अपना मस्तिष्क अपना मन किस तरह से वो शांत रखें वो इन योगा आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हरिद्वार से इस इलेक्शन कार्निवल में इतना ही, लेकिन हम इस वादे के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि हम हर रोज़ आपसे मिलेंगे एक नए लोकसभा क्षेत्र से, जानेंगे वहाँ की चुनावी सरगर्मियाँ, वहाँ का मेले जैसा माहौल, वहाँ के चुनावी रंग, क्योंकि चुनाव मतलब NDTV, इलेक्शंस मतलब NDTV। तो ज़रूर जुड़े हर रोज़ हमारे इलेक्शन कार्निवल से। आज के लिए बस इतना ही हरिद्वार से, लेकिन कल ठीक इसी वक्त फिर मुलाकात होगी।